हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूडो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सूडो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या आता है? सॉल्वेट्स आता है, हाइड्रेट्स आता है, साल्ट्स आता है, कोक्रिस्टल आता है। तो सॉल्वेट क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में अगर सॉल्वेंट मोलिकुल हो तो उसको हम सॉल्वेट बोलेंगे। अगर उसी क्रिस्टल लैटिस में अगर वाटर हो तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रेट। साल्ट्स और कोक्रिस्टल हम किस लिए बनाते हैं? अगर कोई ड्रग उसकी एक्वाइस सोल्युबिलिटी कम हो, उसकी वाटर में सोल्युबिलिटी कम हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उसका साल्ट्स और कोक्रिस्टल बनाते हैं। कोक्रिस्टल क्या होता है? दो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी एक में होती है, उसको कोक्रिस्टल बोलते हैं। को का मतलब दो ही होता है, ओके। तो दोनों क्रिस्टल मिलकर एक कोक्रिस्टल बनता है। तो जानते हैं और डिटेल में। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, सॉल्वेट्स मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट इन द क्रिस्टलाइटिस ऑफ सॉलिड। और हाइड्रेट्स क्या होता है? वाटर इन द क्रिस्टलाइटिस ऑफ सॉलिड। जो हाइड्रेट्स रहते उसके बहुत सारे टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल। अगर उसमें एक वाटर मोलिकुल है तो मोनोहाइड्रेट, दो है तो डाइहाइड्रेट, तीन है तो ट्राइहाइड्रेट। इसका एग्जांपल है ग्लिक्साइड, ग्लिबुराइड, ग्लिमेपाराइड और ग्लिफिजाइड। उसके बाद साल्ट्स और इधर हाइड्रेट्स नहीं है, इधर होगा कोक्रिस्टल, ओके। इधर होगा कोक्रिस्टल, ओके। तो ये जो दोनों फॉर्म बनाते हैं हम स्पेसिफिकली जो लो एक्वा सोल्यूबल रही है उनके लिए बनाते हैं, ताकि उसकी सोल्युबिलिटी बढ़े। और इसका मेथड है स्लो ऑपरेशन। तो कोक्रिस्टल क्या होते हैं? एक ऐसा फॉर्म होते हैं जो कि सॉलिड रहते हैं एम्बियंट टेम्परेचर पे। अगर वो किसी आयोनिक ड्रग के साथ अटैच होते हैं तो उसके वजह से उनका एक कोक्रिस्टल बनता है। तो ए लेवल्स ऑफ सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिक्स है, जिसको हम इन डिटेल या कुछ ब्रीफ फॉर्म में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।